हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करते हैं कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जो लास्ट ईयर की पेपर्स होनी थी, यानी कि जो 2 सितंबर से पेपर होनी थी, उस पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है। वो पेपर अब 6 सितंबर से होगा, यानी कि 4 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिल गया सभी विद्यार्थियों को प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं एक बार फिर से दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल अभी की न्यूज़ है ये, 31/8/2021 की, यानी 31 अगस्त की अभी की न्यूज़ ये है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स जो लास्ट ईयर के पेपर थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। कौन कौन से पेपर पोस्टपोन हुए यहाँ पे देखिए क्लियरली, इसके अंदर ये लिखा है MS सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, MCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, BBA BCA थर्ड सेमेस्टर, MSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर और BEd सेकेंड ईयर भी। इन चारों ईयर्स के पेपर, इन चारों सेमेस्टर्स के पेपर आपके पोस्टपोन हुए हैं। अब न्यू डेट क्या है, आइए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, लेकिन अंदर वही लिखा है कि एकादश समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के संबंध में महाविद्यालय की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश एवं माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत MA, फिर से मैं कह रहा हूं MA, मैं वही बात है ना, फिर आप पढ़ेंगे उसके अंदर यही लिखा है MA सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, MCOM सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, BBA BCA थर्ड सेमेस्टर, MSc सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर और BEd सेकंड ईयर, इन सारे कक्षाओं की सेमेस्टर एग्जामिनेशन का हुआ पोस्टपोन हुआ है। अब न्यू शेड्यूल टाइम क्या है वो भी आप देख लीजिए। अगर आप BEd सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल अभी की सूचना है ये, 31/8 को सूचना आई है। अगर आप BEd के विद्यार्थी हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो सेमेस्टर एग्जाम 2 तारीख को होनी थी अब वो 6 तारीख होगा। एक्चुअल में टाइमिंग और डेट वही है, सब्जेक्ट्स वाइज वही है, बस डेट चेंज हो गया, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 14 को पेपर होगा। तो अगर आप BEd के स्टूडेंट हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप BEd के हैं, चलिए ठीक है, अगर आप यहाँ पे MA सेकेंड ईयर के हैं, MA सेकेंड ईयर रक्षा अध्ययन के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर दूँ, MA सेकेंड ईयर रक्षा अध्ययन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप MA सेकेंड ईयर और हिंदी विषय से कर रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये है अब आपकी नई टाइमिंग, नई डेट। और अगर आप MA अर्थशास्त्र कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार टाइम पे नोटिस कर लीजिए, 8 बजे से 9:30 बजे तक, 1.5 घंटे का पेपर वही होगा, ठीक है। MA वाले, MA अर्थशास्त्र वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप MCOM में हैं और आपका फोर्थ सेमेस्टर है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी नई टाइमिंग हो गई, 6, 7, 8 और 10 तारीख। ओके, अगर आप BBA थर्ड सेमेस्टर में हैं, सॉरी अगर आप BBA थर्ड ईयर में हैं, आप 6th सेमेस्टर में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप BBA थर्ड ईयर और 6th सेमेस्टर में हैं। तो अगर आप BCA थर्ड ईयर और 6th सेमेस्टर में हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिए BBA थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर, ओके, टाइमिंग पे भी ध्यान दीजिए और डेट पे भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल अभी की न्यूज़ है ये। और अगर आप हैं MSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, तो आप, और वो भी मैथ सब्जेक्ट से, अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी नई टाइमिंग हो गई। अगर आप MSc सेकेंड ईयर वनस्पति विज्ञान से हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपकी यार यहाँ पे तो शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। आपको यहाँ पे ज़रा ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 2, 3 और 4 ही दिया हुआ है, जबकि ये 6, 7 और 8 होना चाहिए था यहाँ पे। और अगर आप MSc सेकेंड ईयर के हैं, MSc सेकेंड ईयर रसायन विज्ञान के, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए है। एक बार हमें फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, मे बी ये मिसप्रिंट की वजह से हो गया है, ये मिसप्रिंट की वजह से हो गया है, क्योंकि अगर डेट बढ़ी है तो वो 6, 7 और 8 होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे 2, 3, 4 है तो 6, 7, 8 होनी चाहिए। वैसे मैं यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके फिर आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, मगर अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। MSc सेकेंड ईयर वाले जो रसायन विज्ञान से हैं वो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें देखिए डेट 6, 7, 8 और 10 इसमें सही है। और यहाँ पे अगर आप MSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स से करना कर रहे हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें टाइमिंग सही है। और बात करते हैं MSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जंतु विज्ञान से आप कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए 6, 7, 8, 10 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, MSc द्वितीय वर्ष जंतु विज्ञान। नेक्स्ट BEd, वही बात हो गई, फिर से BEd वाले आ गए, BEd अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट आती है, एक्स्ट्रा अपडेट मैं आपको बता दूंगा। अभी तक का अपडेट ये था कि ये न्यू सिलेबस, आई मीन न्यू टाइम स्केड्यूल हुआ है, नए टाइम टेबल जारी हुए हैं, किसके लिए, MA सेकेंड ईयर, MCOM, BBA, BCA, MSc और BEd सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए, ये नई टाइमिंग जारी हुई है, इसकी सूचना हमने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे, आगे जैसी जानकारी मिलती है आप तक वो जानकारी पहुंच जाएगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी इशूज़ कोई भी हो तो आप वहाँ पर क्वारी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करके फिर आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय।